हेलो फ्रेंड्स, टेकबीगी चैनल आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसे मजेदार टेक्नोलॉजी रिलेटेड और यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करूंगा आईक्यू 5 के बारे में, जो कि फोन लॉन्च हो चुका है आईक्यू की तरफ से। तो मैं सारे इस वीडियो में फीचर्स, स्पेसिफिकेशन जो कि हमें आईक्यू की तरफ से मिले हैं, प्रोसेसर, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, मैं सब बात करूंगा। साथ ही प्राइसिंग की भी बात करूंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि मेरे चैनल में चल रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर आपको है उसमें, बोट का लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप साथ ही हमें सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर। अगर मैं बात करूं इसके जीपीयू के बारे में, तो जीपीयू भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है, एड्रिनो का 650 आपको जीपीयू सपोर्ट भी मिल जा रहा है। देन अगर बात करूं इसका डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले आपको मिल जा रहा है 6.56 का इंच का फुल एडिट डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ, एमलोड स्क्रीन आपको देखने को मिल जा रहा है। देन अगर मैं बात करूं इसका रैम और रोम के बारे में, तो आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है दो वेरिएंट में। तो पहला आपको मिल जा रहा है 128 GB का, देन नेक्स्ट आपको मिल जा रहा है 256 GB का, वो भी UFS 3.1 पे बेस, जो कि पहले 2.1 पे आते थे, अब आपको बेस मिल रहा है 3.1 पे। देन अगर बात करूँ उसका रैम के बारे में, तो रैम आपको दो वेरिएंट ये भी सेम देखने को मिल जा रहे हैं, पहला आपको 8 GB, देन आपको 12 GB। तो ये थे दो इसके रैम, ये भी आपको बेस मिल जा रहा है LPDDR5 पे बेस, जो कि पहले आते थे 4X पे बेस, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले आपको मिल जा रहा है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। देन अगर बात करूं मैं इसका बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको मिल जा रहा है 4500mAh की बैटरी मिल जा रही है 55W चार्जिंग सपोर्ट के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके फोन को फटाफट से चार्ज कर देगा। देन अगर बात करूं इसका कैमरा के बारे में, तो आपको कैमरा मिल जा रहा है ट्रिपल सेटअप का, आपको रियर कैमरा मिल जा रहा है 50MP, 13MP, देन 13MP। देन अगर बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है 16MP का, आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जा रहा है, और इसमें लाउड स्पीकर की जगह आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसका ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ आपको मिल रहा है 5.1 सपोर्ट के साथ, आपको ब्लूटूथ मिल जा रहा है। ऑडियो जैक का बात करें, तो आपको टाइप सी देखने को मिल जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन अगर बात करूं इसका एंड्रॉइड बेस, तो ये आपको सेम हर फोन की तरह एंड्रॉइड 10 पे बेस आपको देखने को फोन मिल जा रहा है। अगर बात करें इसका एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो आपका ये प्राइस आपको देखने को मिल जा रहा है 43,000 के अंडर आपको ये फोन देखने को मिल जा रहा है। तो यही थे आईक्यू 5 के बारे में। अगली वीडियो में बात करूंगा आईक्यू 5 प्रो के बारे में, सारे स्पेसिफिक उस वीडियो में आएंगे। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा। मैंने सारे इस वीडियो में डिस्कस किया, प्रोसेसर, फीचर, क्या क्या, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया आईक्यू 5 के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट टू हेल्प देम फाउंडेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप सारे उनको जाके सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, लास्टली थैंक यू।